12वीं के बाद विद्यार्थियों के लिए क्या करियर ऑप्शन दिया जाए, इस सेंटर में क्रिएटिव एकेडमी की ओर से सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को होने वाली दिक्कतों पर भी चर्चा की गई। 2020 में आने वाली नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए क्रिएटिव एकेडमी की ओर से सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान कक्षा 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों में क्या पोटेंशियल है और उनके लिए आने वाले समय में क्या अपॉर्चुनिटी है, इस पर चर्चा की गई। छात्रों को आने वाले दिक्कतों पर भी इस दौरान चर्चा की गई, जिस वक्त छात्रों और अभिभावकों के सवालों का निवारण भी किया गया। अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2022 की आने वाली है, उसके बारे में क्या क्या सिस्टम बदलने वाले हैं, उसके बारे में ये सेमिनार में बताया गया है। और 8 से लेकर 12 तक बच्चों के जो भी पोटेंशियल्स है, ये कैसे ऑब्जर्व करने हैं और उनके पोटेंशियल के हिसाब से करियर के इंडिया में और अब्रॉड में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, ये सारी चीज़ सेमिनार में बताई गई। और पेरेंटल अभी ऑनलाइन एजुकेशन कोविड का जो भी हुआ है, उसमें आने वाली जो दिक्कत है, उसमें से बच्चों पे आने वाले अच्छे और बुरे इफ़ेक्ट कैसे होते हैं, ये दोनों के बारे में डिस्कशन भी ये सेमिनार में किया गया है। कुछ पेरेंट्स ने भी क्वेश्चन पूछे, स्टूडेंट्स ने भी क्वेश्चन पूछे और उनको उसी तरीके से उनको आंसर दिए गए। करियर के अपॉर्चुनिटीज़ के इंडिया में, महाराष्ट्र में रहने वाले जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट जो है, जो अलग अलग फील्ड में के करियर वहाँ पे मौजूद होते हैं, वो सब करियर्स और इंस्टीट्यूट्स के बारे में उनको ये सेमिनार में बताया गया। आज जो सेमिनार झाला तो खूब एनलाइटनिंग होता, नवीन पॉलिसीबद्दल सगळ्या जे काही डिटेल्समध्ये आम्हाला डिटेल्स मिळाल्या त्या खूप कामाच्या होत्या आणि त्यांनी नक्कीच पुढची जी पिढी निघेल त्यांचं करिअर डिझाईन करताना पण खूप फायदा होईल। आणि ही नवीन पिढीची गरज आहे की नवीन इन्फॉर्मेशन त्यांना लवकरात लवकर मिळावी, तर हा एक मोटो या सेमिनारमधून खूप चांगल्याने पुटफोर्थ झालेला आहे। तर हा सेमिनार पुष्कळांचा असा कामी येतच आहे आणि येईल पण अशी अपेक्षा। इस संदर्भ में बात करते हुए गौरक राजवेद नामक छात्र ने बताया कि ये सेमिनार बहुत ही महत्वपूर्ण था और बहुत चीजें सेमिनार से जानने मिली। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरे के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।